रचना को बड़े ध्यान से सुनेंगे। अभी तक मैंने ये रचना कहीं नहीं सुनाई, आप लोगों के बीच में सुना रहा हूँ पहली बार। सुनिएगा इस भजन को, बड़े ध्यान से सुनेंगे। सुनने वाली रचना बड़े ध्यान से सुनेंगे। कहा एक बार की बात, मेरी जन्म देने वाली माँ ने मुझसे एक सवाल किया। क्या? मेरी जन्म देने वाली ने मुझको खड़ा किया और मुझसे एक सवाल किया। जब मेरी माँ ने मुझसे एक सवाल किया तो मैंने भी अपनी माँ से एक सवाल किया। एक बार जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे हैं सभी एक बार बड़े प्रेम से जयकारा लगाएं कि ये जन्म देने वाली मैया की, सच्चे दरबार की। आइए सुनिएगा। जब मेरी माँ ने मुझसे एक सवाल किया तो मैंने भी अपनी माँ से एक सवाल किया। अब देखिएगा माँ और बेटे के बीच में क्या बातें हुई, इस रचना के माध्यम से सुनेंगे आप लोग। बहुत ही सुंदर रचना, सुनिएगा। माँ ने कहा करता है क्या, मैंने कहा खिदमत तेरी। माँ ने कहा करता है क्या, मैंने कहा खिदमत तेरी। माँ ने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा रहमत तेरी। माँ ने कहा हर एक पूरी होगी दिली हसरत तेरी, तो मैंने कहा तेरे कर्म से जग गई किस्मत मेरी। सुनिए, सुनने वाली रचना बड़े ध्यान से सुनेंगे। कहा लाखों और करोड़ों की दौलत कमाओगे, अरे खर्च करके दुनिया में दानी कहाओगे। काम ऐसा कुछ भी ना जो कर ना पाओगे, दोनों हाथों से सुनो दौलत लुटाओगे। सुनिए कहा लाखों और करोड़ों की दौलत कमाओगे, खर्च करके दुनिया में दानी कहाओगे। काम ऐसा कुछ भी ना जो कर ना पाओगे, दोनों हाथों से सुनो दौलत लुटाओगे। लेकिन माने आप चाहे कितनी भी लाखों करोड़ों की दौलत कमा लीजिएगा और खर्च कर लीजिएगा। लाखों और करोड़ों की दौलत कमाओगे, खर्च करके दुनिया में दानी कहाओगे, दोनों हाथों से सुनो दौलत लुटाओगे। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात आई है इस भजन में, ध्यान से सुनेंगे। लाखों और करोड़ों की दौलत कमाओगे, माधव भैया बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ। लाखों और करोड़ों की दौलत कमाओगे और खर्च करके दुनिया में दानी कहाओगे। काम ऐसा कुछ भी ना जो कर ना पाओगे, अरे दोनों हाथों से सुनो दौलत लुटाओगे। लेकिन अब एक बार जरा दोनों हाथों को खोलें, जो अपनी जन्म देने वाली मैया से प्रेम करते हैं, दोनों हाथों को खोल करके ताली बजाकर बोलें, अरे कर्ज माँ के दूध का कैसे चुकाओगे, कैसे चुकाओगे। कर्ज माँ के दूध का कैसे चुकाओगे, कैसे चुकाओगे। कर्ज माँ के दूध का कैसे चुकाओगे, कैसे चुकाओगे। सुनिए बड़े ध्यान से।
सुनने वाली बात कहा बिल्कुल मीठा मीठा बिल्कुल आवाज कम। एक माँ ने एक बेटे को एक सीख सिखाई, ध्यान से सुनेंगे क्या। एक माँ ने एक बेटे को एक सीख सिखाई, उस सीख में उस बेटे को दिया था दिखाई। एक माँ ने एक बेटे को एक सीख सिखाई, उस सीख में उस बेटे को दिया था दिखाई। बोला यूं मैया बेटा से एक बात बताओ, बोला यूं मैया बेटा से एक बात बताओ, होती है माँ की ममता कैसी मुझको दिखाओ, होती है माँ की ममता कैसी मुझको दिखाओ, होती है माँ की ममता कैसी मुझको दिखाओ। बेटे ने कहा माँ से क्या, बोला यू मैया बेटा से एक बात बताओ, होती है माँ की ममता कैसी मुझको दिखाओ। जब बेटे ने अपनी माँ से इतना सवाल किया तो माँ ने उसको बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया। सुनिए माँ ने क्या कहा, अगर तू जानना चाहता है कि माँ की ममता क्या होती है तो सुन। बोली यू मैया बेटा से पहले इधर आओ, बोली यू मैया बेटा से पहले इधर आओ, बतलाऊंगी मैं बाद में एक गीत ले आओ। माँ ने क्या मंगाया, एक पत्थर की ईंट मंगाई। बांधो तो सही लाड ले इसे अपने पेट से, बांधो तो सही लाड ले इसे अपने पेट से, दूंगी जवाब तुझको दो घंटे लेट से, दूंगी जवाब तुझको दो घंटे लेट से। अब सुनिए माँ ने उस बेटे से कहा, माँ बेटा अपने पेट से ये ईंट बांध और तुझको मैं दो घंटे के बाद जवाब दूंगी। तो सुनिए आगे क्या कहा माँ ने, बोली यू मैया बेटा मरम जान जाओगे, बोली यू मैया बेटा मरम जान जाओगे, मानोगे तुम मानेगा वो जिसको सुनाओगे, कर्ज माँ के दूध का कैसे चुकाओगे, कैसे चुकाओगे, कर्ज माँ के दूध का कैसे चुकाओगे, कैसे चुकाओगे। सुनिए ध्यान से सुनेंगे सभी, कहा दो ईंट बांध पेट से जाए इधर उधर, सब देखने वालों की थी उस पर ही थी नजर। कोई कहता था और कोई दीवाना, कोई कहता था पागल और कोई दीवाना, बांधी है ईंट पेट से ये कैसा जमाना, बांधी है ईंट पेट से ये कैसा जमाना। अब सुनिए वो ईंट बांध पेट से परेशान हो गया, वो ईंट बांध पेट से परेशान हो गया, बोला यू माँ से जाके जब हैरान हो गया, बोला यू माँ से जाके
अपनी माँ के पास जाकर कहने लगा, माँ सब हंस रहे हैं दोस्त, सब हंस रहे हैं दोस्त, मैया मुझको देख कर मारे शर्म के मैया जी नीची हुई नजर। अब देखिए, जब इतनी बात बेटे ने माँ से कही तो माँ ने उसको बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया। सुनिए माँ ने क्या जवाब दिया उस बेटे को, सुनिए। दो घंटे में एक ईंट से ये हाल है तेरा, दो घंटे में एक ईंट से ये हाल है तेरा, नौ महीने गर्भ में रखा तू लाल है मेरा। दो घंटे में एक ईंट से ये हाल है तेरा, नौ महीने गर्भ में रखा तू लाल है मेरा। अब माँ ने उस बेटे को जवाब दिया क्या, शर्माई नहीं मैं तो कभी तेरे वास्ते, और तू क्यों बदल रहा है बता अपने रास्ते। बोली मैया बेटा मरम जान जाओगे, लोग तुम मानेगा वो जिसको सुनाओगे। कहिए जन्म देने वाली मैया की, जिसको ये रचना पसंद आई एक बार जरा दोनों हाथ उठाएंगे अपनी जन्म देने वाली मैया के लिए और जोरदार ताली बजाकर कहेंगे, जो अपनी माँ के दूध का कर्जा अदा नहीं कर सकते कभी जिंदगी में, वही ताली बजाएंगे दोनों हाथ खोल करके, ताली बजाकर कहेंगे, अरे कर्ज माँ के दूध का कैसे चुकाओगे, कैसे चुकाओगे कर्ज माँ के दूध का, कैसे चुकाओगे कर्ज माँ के दूध का, कैसे चुकाओगे कैसे चुकाओगे कर्ज माँ के दूध का, कैसे चुकाओगे कैसे चुकाओगे।